हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज कुमार सिंह। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज़ हिंदी के ऊपर, तो हिंदी ए बी सी तीन पार्ट में है। तो मैंने जो अभी प्रिपेयर किया है, स्पेशली जो हिंदी के टीचर्स हैं उनसे बात की, और हिंदी जिनको नॉलेज थी थोड़ा उनसे बात किया, उन्होंने प्रिपेयर किया है। बेसिकली मैं आप सभी को इस चैनल पे शो करना चाहता हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, और ये सारे 10 ईयर के ही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन सारा 10 ईयर में मिल जाएगा, तो 10 ईयर के अंदर भी बहुत सारा होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि छोड़ के ना जाए, और धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन डेली प्रिपेयर करें। ज़्यादा नहीं, 15-16 क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखाऊंगा, विजुअल करा देता हूँ। और PDF के लिए अगेन मैं कहूँगा, मैं एप्लीकेशन का लिंक है वहाँ पर जाएंगे, स्टडी मटेरियल में ढूंढेंगे, और वहाँ पे आपको इजीली PDF एक्सेसिबल मिल जाएगा। तो देखिए, ये आपके क्वेश्चंस हैं हिंदी का, 1-2 क्वेश्चन 3 मैं धीरे धीरे दिखा देता हूँ। जो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी PDF के लिए मैंने आपको बताया है कि एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ टोटल आपका ये 12 क्वेश्चन आ गया, और 16 जो हैंड रिटन है, कोशिश की है कि वो, और ये आपका व्याख्या कीजिए जो है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने डाल दिया, ताकि सो दैट आपको भी रहे कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन आप देखेंगे तो मिल जाएगा। शिवदास के 10 ईयर के अंदर आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा इसका, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आप सभी बच्चों को बोलूँगा, आप सभी को मैं हर बार नोट्स वगैरह हमेशा टाइम टू टाइम पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन, एग्ज़ाम तक आप सभी को सारी चीज़ें मैं अपडेट दूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जो भी चीज़ें रहेगी कॉस्ट और कॉर्पोरेट के लिए, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सारी वीडियो अपलोड करूँगा। काफ़ी सारे बच्चों का मानना है कि बल्कि बोलते हैं कि सर कब कितनी और वीडियो है। देखिए, मैं पूरा सिलेबस कराऊँगा और आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला, बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं हम इस बार। हम तो इस बार ऑफलाइन पेपर DU की तरफ से ज़रूर है, लेकिन हम भी उन्हें दिखा देंगे DU को पेपर सॉल्व करके, कि आपने ऑफलाइन लिया और हमने भी ऑफलाइन दिया, और जितना ऑनलाइन में हमारे मार्क्स नहीं आए, कहीं उससे ज़्यादा हम ऑफलाइन में मार्क्स ला के दिखाएंगे। तो बस आप सभी यही प्रॉमिस करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉस्ट की थ्योरी के साथ, तो उसमें हम मिलेंगे।